सभी प्रिय छात्रों को मेरा अवनीश बाजपेई का नमस्कार। प्रिय छात्रों, जैसा इस समय आपको पता है कि कोरोना महामारी इस समय उसका प्रकोप बहुत तेजी से भारत में फैल रहा है। गवर्नमेंट ऑलरेडी अपील कर रही है आपसे कि आप लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। हम लोग इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन के यानी स्टेज थ्री में ऑलमोस्ट प्रवेश कर चुके हैं या प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसे केस में डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी सलाह है कि आप अपने को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर लें। यद्यपि तमाम बार आपको इस तरीके का फेज पहली बार अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है और आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पर प्रभावित हो रही होगी, लेकिन आप अपने माध्यमों के जरिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स के नॉन टेक्निकल एग्जाम यानी ग्रुप वाई के लिए टेस्ट पेपर नंबर मॉक टेस्ट आईडी 52 यानी हम 52nd नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 51 टेस्ट पेपर ऑलरेडी हमने आपको अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल करवा दिए, उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और तमाम हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर आप हमारी ऐप के जरिए दे सकते हैं। तो ये 52 नंबर का आपका 52 नंबर का टेस्ट पेपर है जो कि लेटेस्ट पैटर्न जो कि अभी इस बार के एग्जाम में आपका अप्लाई होने वाला है उसके आधार पर ये हम लोग टेस्ट पेपर्स तैयार करते हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो और इस वजह से आपका हमारी कोशिश है आपको ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस करवा सके, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्जाम्स की डेट्स डिक्लेयर होती है आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सके। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आपका आज के इस टेस्ट पेपर नंबर 52 के पहले क्वेश्चंस के साथ। कम ऑन, पहला सवाल आपके सामने है, ये है वन मूड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन और सवाल है द स्टेट ऑफ बींग अनमैरिड यानी ऐसी अवस्था जिसमें आप अविवाहित होते उसको क्या कहा जाता है। तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इनमें आपको कंफ्यूजन जनरली हो रहा होगा सी और डी ऑप्शन में। सी ऑप्शन है सेलिबेट और सेलिबेसी। तो आपको यहां पर फर्क समझना है, सवाल आपसे पूछा था द स्टेट यानी ऐसी अवस्था, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपको यहां पर जो सेलिबेट दिया हुआ जिसका अर्थ होता है ब्रह्मचारी, ये नाउन हो गया जो कि आपको जवाब के रूप में नहीं देना है क्योंकि आपको अवस्था बतानी है। तो यहां पर सही जवाब सेलिबेसी होगा। सेलिबेसी यानी ऐसी अवस्था जिसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो या कुंवारे आप जिस स्टेज में होते हो ये सेलिबेसी कहलाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं, जो द्विविवाह करता है, दो विवाह जो करता है उसको बाइगेमी कहते हैं। और डिलिटिनेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि एमेच्योर होता है, जिसको कि अपूर्ण ज्ञान होता है किसी चीज का, वो डिलिटिनेट होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और इस पे आपको बतानी है करेक्ट चॉइस। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इवन इन द टूडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल स्पेस गॉड टू ब्रिंग रेन्स। अब यहां पर समझना कि क्या है इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी यानी आज के आधुनिक आपका युग में पीपल्स व्हाट गॉड्स टू ब्रिंग रेन यानी भगवान से क्या करते हैं बारिश के लिए क्या करते हैं भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई पानी दो। आप लोगों ने तमाम बार सुना होगा गांव में ना, काले मेघा पानी दो, पानी दो बरसाओ, इस तरीके से। तो इसका अर्थ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंद्र देवता को आह्वान करते हैं उनसे कि बारिश। तो इसका अर्थ आपका यहां पर ये हुआ कि हमें कोई एक ऐसा शब्द चाहिए जिससे कि हमें आपका एप्रोप्रिएट वर्ड मिल जाए और ये सही वर्ड है यहां पर इवोक। इवोक का अर्थ होता है आह्वान करना। तो यहां हो जाएगा इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल इवोक गॉड टू ब्रिंग रेन यानी लोग आपका भगवान से आह्वान करते हैं कि वो बारिश करें। इधर एक और वर्ड दिया हुआ है प्रोपिटिएट और इसका मतलब होता है किसी भी आपका नाराज व्यक्ति को मना लेना, उसको संतुष्ट कर लेना, राइट। इवोक का आपका उल्टा प्रोवोक हो जाएगा, अपील आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, तीसरा सवाल इस टेस्ट पेपर का आपका ये रहा, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब और यहां पर व्हेन आई स्पेस माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप, मैं सोने के लिए चला गया। कब? व्हेन आई माई बाथ, व्हेन आई Had taken my bath, जब मैंने नहा लिया, स्नान कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन आपको करेक्ट एक फिलअप करना है। When I heard of my grandmother's death, जब मैंने अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी की डेथ के बारे में सुना, I burst tears,
टीएस के पहले हमेशा प्रीपोजिशन आपका इनटू आता है, तो आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने ये रहा। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी बिगनिंग, और बिगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग डे स्टूडेंट्स होती है बी ई जी आई एन एन आई एन जी, जो कि आपको पता है कौन से ऑप्शन में दे रखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो करेक्ट स्पेलिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिक्स्थ है करेक्ट आर्टिकल का, और आर्टिकल आपको यहां पर शुरुआत में ही भरना है, सिक डॉग डाइड यस्टरडे, ए एंड डी इनमें से क्या किसी का प्रयोग हुआ या नन ऑफ दीज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात की जा रही है, जो कि बीमार था वो कल मर गया, तो इसका मतलब आपका यहां पर द आना चाहिए, द सिक डॉग डाइड यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेवेंथ ये रहा, इसमें एंटोनिम आपको बताना है रिप्रिमेंड, और इसका मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। तो जब डांटने या फटकारने के एंटोनिम की बात करेंगे तो किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना सही जवाब हो जाएगा, इनकरेज यानी किसी के आपका किसी को किसी कार्य के लिए आपका प्रोत्साहित करना। प्रेज भी थोड़ा क्लोज है, प्रेज का मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है किसी कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट ये रहा, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको शॉर्ट आउट करना है, वन हु इज इरेवेलेंट टुवर्ड्स गॉड। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि श्रद्धाहीन है, इरेवेलेंट का मतलब आपका श्रद्धाहीन, जिसके अंदर भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, एक नास्तिक अलग चीज है, यहां पर हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है। नास्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, यहां पर श्रद्धा ना होने की बात की जा रही है। तो यहां पर हम लोग जो सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब यहां पर हम लोग करने वाले हैं ब्लैस्फेमस, और इसका अर्थ होता है भगवान की निंदा करना, ईश निंदा, राइट। तो वन व्हिच इरिवेरेंट टुवर्ड्स गॉड और दैट इज ब्लैस्फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और वो ये है, यहां पर इनकरेक्ट स्पीच आपको बतानी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पीच नहीं इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहां पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, और इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है किसका, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो आई विल डू इट नाउ और नेवर, इसका मतलब हो गया कि सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू, नाउ का हो जाएगा देन आर नेवर। तो यहां पर अगर इस बेसिस पर जाएंगे, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू देन आर नेवर, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका डी, यानी सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ आर नेवर। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू देन आर नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ, एंड टेंथ क्वेश्चन नंबर ये है एक्टिव एंड पैसिव से। Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. और इसका हमें वाइस चेंज करना है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना, तो आपका बन जाएगा somebody told me का I was told by somebody, I was told by somebody that there had been an explosion in the town hall. Again the correct answer is D. The question number 11th and 11th question number is सिनोनिम बताना आपका बी लिटिल का, और बी लिटिल होता है किसी चीज को छोटा कर देना या किसी चीज को आपका छोटा समझना, ठीक है। तो किसी चीज को जब बहुत छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, और इस चीज का आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमें अगर सिनोनिम की बात करें तो डिस्पर्ज हो सकता है, डिस्पर्ज होता है यानी किसी की उपेक्षा करना, तो डिस्पर्ज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th है ये, आपको बताना इस idiom या फ्रेज का मीनिंग, टू रैंगल ओवर एन ash shadow, यानी किसी ऐसी छोटी सी चीज के ऊपर आपका जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके जिसका कोई मान नहीं है, उसके ऊपर झगड़ा करना। तो यहां पर यानी बहुत छोटी सी छोटी बात के ऊपर झगड़ा कर लेना, और इसी को कहते हैं टू रैंगल ओवर एन ash shadow, और ऐश आपको पता है गधे गधे की छाया के ऊपर आपका ना झगड़ा कर लेना, अरे यानी ऐसी चीज के ऊपर झगड़ा कर लेना जिसकी आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहां पर से टू क्वेरल ओवर ट्रफल्स। ट्रफल्स का मतलब आपका ऐसी वस्तुएं जिनका कोई भी मोल नहीं होता, जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, अ थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, इसमें इनकरेक्ट पार्ट बताना है, चार
आपका पार्ट है, एक ही सेंटेंस के चार पार्ट, अगर किसी में एरर है तो आपको एबीसी यहां पर तीन पार्ट में डिवाइडेड, अगर इसमें किसी में भी एरर नहीं तो जवाब डी हो जाएगा, यानी नो एरर, आई हैव डन माई बेस्ट, करेक्ट है ये। द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स, यहां देखे इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स, तो मैंने जो भी है मैंने अपना बेस्ट कर लिया, अब सब कुछ किसके ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर, गॉड के ऊपर, तो गॉड होना चाहिए, गॉड्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वहां पर आपका गलती जो हमें मिल रही है वो यहां पर मिल रही है, और जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज सी, इसमें आपका गलती हमें मिल रही है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14th में आपको बताना है कंजंक्शन कौन सा भरा जाएगा, बोथ वीना स्पेस मीना आर ब्यूटीफुल, तो दोनों अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं दोनों खूबसूरत हैं ब्यूटीफुल हैं, तो बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल, बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और ये था, ये है 15 नंबर, इसमें एडजेक्टिव बताना है, सेंसेस का एडजेक्टिव क्या होगा, सेंसेस यानी इंद्रियां जो कि नाउन है, ये नाउन है, और आपको इसका एडजेक्टिव बताना है क्या होता है, सेंसेस का एडजेक्टिव यानी हो जाएगा सेंसिबल, सेंसिबल यानी समझदार, राइट, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और दैट इज 16 नंबर क्वेश्चन, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है सुटेबल वर्ड के साथ, मादर इज अ सिक मैन एंड इज स्पेस टू बी टेकन टू द डॉक्टर, मादर एक बीमार व्यक्ति है और क्या डॉक्टर पास ले जाया जाता है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या होगा, अक्सर डॉक्टर पास जाएगा ना, तो यहां करेक्ट आपको टाइमली फ्रीक्वेंटली सेल्डम तो हटा ही दीजिए, यदा कदा होगा, अब आपको टाइमली बता दीजिए फ्रीक्वेंटली और यूजली में, तो यहां पर यूजली ले लीजिए, ऑलवेज से थोड़ी सी डिग्री इसकी कम है, यानी अक्सर उसको आपका डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट के सवाल पर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, प्लूरल बताना है गूज का, गूज यानी जिसको कि आप बेवकूफ कहते हो ना, तो इसका जो आपका प्लूरल होगा वो हो जाएगा गीज, राइट, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अगला जो 18th, 19th and 20th नंबर क्वेश्चन है, ये इस पर्टिकुलर आपका पैसेज के ऊपर बेस्ड है, और पैसेज यहां पर आपका ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, मैनी सोशियोलॉजिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम, तमाम आपका जो समाजशास्त्री है उन्होंने आपका इस चीज के ऊपर आर्ग्यू किया कि एक व्यवहारिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, शिक्षा और इकोनॉमिक सिस्टम के बीच में। अब बात आती है, दे पॉइंट टू द फैक्ट दैट द मास फॉर्मल एजुकेशन बिगिन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इज एन एस्टैब्लिश्ड पार्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दे नोट दैट द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज एकम्पेन्ड बाई ए करिस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन ऑफ दियर एजुकेशनल सिस्टम, जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं उनमें साथ साथ में एजुकेशनल जो सिस्टम है वो भी एक्सपेंड किया हुआ, दे एक्सप्लेन दिस करेस्पॉन्डेंस इन द टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ द इंडस्ट्री फॉर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर, आजकल इंडस्ट्रीज को किस चीज की जरूरत है, ट्रेन्ड मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की, और इसी वजह से आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी आपका क्या हुआ, एक्सपेंड किया हुआ। अगले उस पैरा पर बात करते हैं, यहां पर दिया हुआ है कि Thus, the provision of the most elementary education in Britain in 1870, ये पर ध्यान दीजिएगा, in 1870 can be seen as a response to the need of the industry. आपको जब को सबको पता जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और जब इंडस्ट्रीज बनी तो आपको स्किल लेबर भी चाहिए और स्किल लेबर की कमी को पूरा करने के लिए तमाम वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आए, यानी जो एजुकेशनल इंडस्ट्री ये भी आगे बढ़ी। Complex and the demand for the technical skills were steadily growing. The question जो कि हमारे सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन इसमें, और वो क्वेश्चन नंबर 18th यहां पर हमारे पास है, ये बाई फंक्शनल रिलेशनशिप इज मीन्ट, फंक्शन रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, तो फंक्शन रिलेशनशिप यानी दो चीजों के बीच में जो कार्यात्मक या व्यवहारिक रिलेशनशिप है, और सही जवाब आपका होगा यहां पर पिछले पैराग्राफ के विशेष प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, ऐसी आपका रिलेशनशिप जो कि व्यवहारिक हो जिसकी उपयोगिता हो, यूटिलिटी हो, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th नंबर क्वेश्चन, 19th है, द इंडस्ट्री नीड्स अ लिटरेट वर्कफोर्स बिकॉज, इंडस्ट्री को आपका लिटरेट वर्कफोर्स यानी पढ़े लिखे आपका श्रमिकों की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि सही जवाब आपका डी ऑप्शन मौजूद है, इट्स ऑपरेशन नीड्स इंटरनशिएट टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि आपका जटिल जो तकनीकी ज्ञान है उसकी जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th,
और 20th नंबर ये है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ, ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो 19th सेंचुरी में एक ग्रोथ देखने को मिलती है हमें इंडस्ट्रीज में, ये इनके ऊपर बेस्ड है। देन द करेक्ट आंसर इज अगेन डी, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं हम लोग आपका रागा के पार्ट के ऊपर, और रागा के पार्ट में पहला सवाल आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आप लोगों ने फार्मिक एसिड के बारे में सुना होगा, तमाम एसिड के फॉर्म्स हैं, लेकिन जो फार्मिक एसिड है ये चींटियों के द्वारा, खासतौर पर लाल चींटियों के द्वारा उत्पन्न होता है। देन द करेक्ट आंसर इज से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22 में कहा जा रहा है, जुबिन मेहता इनका संबंध किस चीज से है। तो डियर स्टूडेंट, जुबिन मेहता ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, वेस्टर्न और ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में इनका आपका कमांड था, तो खासतौर पर वेस्टर्न म्यूजिक के लिए आपका जुबिन मेहता जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जुबिन मेहता का संबंध किससे है, म्यूजिक से, कौन से म्यूजिक से, वेस्टर्न म्यूजिक से, पश्चिमी संगीत से। 23वां सवाल है, रियो शिखर सम्मेलन इसका संबंध किससे, रियो में 1992, रियो ब्राजील में है, और वहां पर 1992 में एक सम्मेलन होता है, पृथ्वी को आपका किस तरीके से बचाया जाए, और ये आपका जो सम्मेलन होते हैं लगातार आपका हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, इन तमाम आपका विषयों के ऊपर चर्चा होती रहती है। लेकिन 1992 में आपका जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें मुख्य रूप से आपका हमने बात की बायोडायवर्सिटी के ऊपर, यानी जैव विविधता के ऊपर, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। कब हुआ, 1992 में, और कहां पर हुआ, ब्राजील में। अगले सवाल पर आते, और अगला सवाल है 24वां, इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए, जो कोयला है इससे आप जो ऊर्जा उत्पन्न करते हो, पानी से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हो, ये सारे आपका परंपरागत स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त आपका ऐसे स्रोत जैसे कि अगर हम बात करें विंड हो गया, टाइड्स हो गया, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, इनसे हम ऐसी एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि आपका नीट एंड क्लीन होती है और पॉल्यूशन फ्री होती है। ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, और इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में यहां पर एक शामिल नहीं है, और वो कौन सा शामिल नहीं है, वो आपका यहां पर प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस आपका कन्वेंशनल सोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोल नेचुरल सोर्स है, नेचुरल गैस जो है आपका ये भी आपका कन्वेंशनल सोर्स है। हमें बात करनी थी, बताना था नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत स्रोत, जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी ये भी नॉन कन्वेंशनल है, सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, विंड एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, टाइडल पावर ये भी नॉन कन्वेंशनल है। अगला सवाल, और ये है आपका 25वां सवाल आपके सामने, 25वां सवाल यहां पर ये रहा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत करी। तो ऑपरेशन दुर्गा ये करीब 2017 में शुरू हुआ था, हरियाणा राज्य ने शुरू किया हुआ था। सेम पैटर्न पर आपका यूपी में एक मजनू अभियान शुरू हुआ था, उसमें जनरली आपका महिलाओं की आपका सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये चीज शुरू की हुई थी। ऑपरेशन मजनू आपका शुरू हुआ था यूपी में, और ऑपरेशन दुर्गा शुरू हुआ था हरियाणा में। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और अगला सवाल है 26वां, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से गई हुई थी आपका, उसका नाम क्या था। तो इस स्पेस शटल को हम लोग आपका जानते थे डिस्कवरी के नाम से, द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्कवरी। अगला आपका सवाल आता है यहां पर 27वां, बेटन कप का संबंध किससे। आप सबको पता है कि बेटन कप भारत का एक मशहूर हॉकी का आपका टूर्नामेंट है, तो बेटन कप का संबंध होगा हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, और ये है आपका सिरका यानी विनेगर, ये क्या है, आप सबको पता है कि क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और कैसा होता है, डाइल्यूट होता है, यानी डाइल्यूट एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आप सबको पता है इसकी शुरुआत आपका 2000 कब से हुई है, 15 में आपका इसको आपका संयुक्त राष्ट्र ने जो है बेसिकली वो इसको अपनी मंजूरी दी हुई है और इसको मनाना शुरू किया गया आपका आगे उसके बाद में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको सबको पता है हम लोग हर साल मनाते हैं, और वो मनाते हैं 21 जून को। अगला सवाल आपके पास सामने आता है, और वो सवाल है 30वां, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं।
जब आपस में द्वीप जुड़े हुए होते हैं, यानी क्लस्टर्स जो होता है द्वीपों का, एक झुंड जो होता है आपका द्वीपों का, जो जब द्वीप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आइलैंड यानी जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ऐसे अगर द्वीप आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको हम लोग आपका आर्कियोपेलॉगी कहते हैं। और आर्कियोपेलॉगी का मतलब ही होता है आपका क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, यानी आइलैंड्स का झुंड। देन करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी स्टूडेंट्स होगा सी। अगले सवाल पर मूव करते हैं और अगला सवाल है 31वां। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में दो भाषाएं आपका मुख्य रूप से आपका, एक तो अंग्रेजी और दूसरा आपका फ्रेंच, इनमें सारे आपका कामकाज होते हैं। और आधिकारिक जो भाषाएं हैं उन आधिकारिक भाषाओं में कुल मिला के 6 भाषाएं आती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा आपका उनमें अरेबिक भी है, स्पेनिश भी है, रशियन भी है और चाइनीज यानी आपका मैंडारिन भी है, लेकिन जापानी भाषा आपका शामिल नहीं है। तो यूनो के आपका मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 6, जबकि जो वर्किंग होती है वो आपका इंग्लिश और फ्रेंच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी ये कहां पर है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्कूल ऑफ आर्टिलरी ये है नासिक के पास में यानी महाराष्ट्र में, और जगह का नाम है देवलाली, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक और है भारतीय सेना का म्यूजियम, स्कूल ऑफ म्यूजियम, दोनों चीजें पूछी जाती रहती, स्कूल ऑफ आर्टिलरी और स्कूल ऑफ म्यूजियम। तो स्कूल ऑफ म्यूजियम भी ये कहां पर स्थित है? देवलाली, ये कहां पर है? नासिक के पास में। नासिक कहां है? महाराष्ट्र। अगला सवाल 33 आपके सामने, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला, यानी ऐसी दिव्यांग जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और आप इनके तमाम वीडियोस देखते रहते होंगे, इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल वीडियो, मैं भी इनकी कहानी से बहुत ही आपका प्रभावित हूं। और ये है आपका मशहूर, ये रेलवे में आपका एम्प्लॉई थी और इनका नाम है आपका अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, ये रहा हिग्स बोसोन का संबंध किससे है? तो आपने गॉड पार्टिकल के बारे में सुना होगा और गॉड पार्टिकल से ही रिलेटेड है आपका हिग्स बोसोन, तो सवाल का जवाब होगा गॉड पार्टिकल। अगले सवाल पर आते हैं 35वां। ये रहा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो इन स्थायी सदस्यों में आपका अमेरिका आता है, निश्चित तौर पर चीन आता है, रूस आता है, फ्रांस आता है और ब्रिटेन आता है। तो आप इनको देखेंगे तो आपको ये सभी मिल रहे हैं बी ऑप्शन में, बी में आपका चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 और 36 नंबर है, इसमें एनालॉजी का सवाल कि राज कपूर अगर कलाकार है, राज कपूर का जो संबंध एक्टर के साथ है वही शकुंतला देवी का किससे? तो राज कपूर एक एक्टर थे जाने माने, शकुंतला देवी क्या थी? तो आप सबको पता होना चाहिए शकुंतला देवी भारत की एक मशहूर मैथमेटिशियन थी, यहीं पर लोग धोखा खा जा रहे हैं, शकुंतला देवी एक मशहूर मैथमेटिशियन थी, गणितज्ञ थी। यस, अगले सवाल पर मूव करते हैं 37, जो संबंध 0.8 का 1 के साथ है वही संबंध बताना 1.2 का किसके साथ होगा? तो सिंपली किसी को भी समझ में आ सकता है कि भाई यहां 0.2 बढ़ रहा है, लेकिन 0.2 यहां बढ़ाने 1.4 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 0.8 से 1 जो बढ़ रहा है इसमें 0.2 की ग्रोथ हो रही है, 0.2 की ग्रोथ का रिलेशन कुछ है क्या 0.8 के साथ? यस, इसका अगर 1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए 0.8 का तो 0.2 मिलता, 1.2 का अगर 1/4 करेंगे तो 0.3 मिलेगा, तो आप यहां पर प्लस कर लो कितना 0.3, 1.2 प्लस 0.3 हो जाएगा 1.5 करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने ये रह रहा 38 डाइस का सवाल है, यहां पर आपको बताना अगर 5 का अंक ऊपर होगा तो नीचे कौन सा अंक आएगा? तो डी स्टूडेंट, आप दोनों पोजीशंस को अगर देखें यहां पर तो दोनों में कोई चीज एक कॉमन नजर आ रही है, दैट इज 4। यहां 4 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको मिलेगा 4, 5, 3 और यहां पर मिलेगा 4, 1, 6, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि 5 की विपरीत कौन आएगा, 5 की विपरीत आया 1 और 6 के विपरीत कौन आएगा, सॉरी 3 के विपरीत कौन आएगा 6। कैसे? अगर नहीं आया समझ में तो जो कॉमन है दोनों में वहां शुरुआत करिए 4, 4 के बाद आपका अगला अंक 5 और अगला अंक कौन सा 3, यहां पर भी शुरुआत करिए वही सेम आपका 4 के नीचे 4 रख लिया, उसके बाद 4 के बाद कौन आ रहा 1 और 1 के बाद कौन आ रहा 6, तो आपको मिल गया अपोजिट मिल गए, 5 का विपरीत आपका ये 1 मिल गया, 3 का विपरीत ये 6 मिल गया,
तो ऐसे में आपका जो एक अंक आपका छूट रहा है वो है दो, तो चार का अपोजिट चार तो होगा नहीं, कौन होगा दो, तो यहां सब में पता चल चुके। पांच की विपरीत पूछा था, पांच की विपरीत कौन आ रहा, एक, जवाब यानी एक। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, ये पी का मतलब इंटू है, टी का मतलब माइनस, एम का मतलब प्लस, बी का मतलब डिवाइड, तो आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन की आपको वैल्यू बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा आपका डिवाइड देखे किन के बीच में, इक्वेशन है 28, 7, इधर आपका 8, 6 और 4। साइन अगर आपका चेंज कर तो साइन देखो चेंज करने पे यहाँ बी है, बी का मतलब डिवाइड बाई है, तो आपके यहाँ पर डिवाइड बाई लगाना है। 8, 7 और 8 के बीच में पी है, पी का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई, इधर आपका 8 और 6 के बीच में टी था, टी का मतलब है माइनस, और यहां पर निश्चित तौर पर अब क्या आना चाहिए, एम दिया हुआ है प्लस। यहां सबसे पहले आप बॉडमस रूल लगाओगे, बॉडमस रूल के हिसाब से सबसे पहले आपका 28 डिवाइड बाई 7 को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4। 4 अब मल्टीप्लाई करोगे बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन, डिवीजन के बाद अगला नंबर आता मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, तो 4 × 8 हो गया 32, 32 और ये +4 अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 36, 36 -6 जवाब आपको मिल जा रहा है कितना 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुक करते हैं, अगला सवाल 41 ये रहा आपके सामने, और 41 नंबर क्वेश्चन ये है आपका सीरीज का, 1331, 100, 729। देखो जब भी नंबर्स को गौर से देखेंगे तो सारी स्क्वायर या क्यूब नंबर है, ये 11 का क्यूब है, उसके पीछे जब आते हो तो आपको 10 का स्क्वायर मिल रहा है, ये अगेन 9 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब है, पीछे आके एक कम होके 6 का स्क्वायर मिलता है। अब आपका इसी पैटर्न के ऊपर आपको अगला नंबर जो चाहिए वो 5 का क्यूब होना चाहिए, 5 का क्यूब पता है आपको 125 होता है, जवाब ए मार्क कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं डियर स्टूडेंट्स किस पर, 42 पर, आपका आपके चाचा की पत्नी की बेटी से क्या संबंध है। तो ज्यादा घुमा फिरा जो सवाल पूछे उनको आप शॉर्ट आउट करो और इंटरप्रिटेट करिए बहुत छोटे में, आपका संबंध पूछा जा रहा, किससे पूछा जा रहा, आपके चाचा की पत्नी की बेटी, चाचा की पत्नी बेटी है नहीं चाचा की बेटी, चाचा की बेटी कौन होती है, चचेरी बहन होती है। तो यहां पर जितने भी ऑप्शन देखा तुम्हें ज्यादा कहीं से कुछ भी नहीं ढूंढना, सिर्फ आपको जवाब तुरंत मिल गया, क्या जवाब होगा, चचेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला सवाल है डियर स्टूडेंट्स वो है आपका क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है, ये मिसिंग नंबर क्या होगी, आप देखिए किस तरीके से यहां पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 43 में क्या जो नंबर है आपका अंदर, वो नंबर को जरा देखेंगे, 1024 ये 32 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये 41 का स्क्वायर है, सारे नंबर आपको मिल रहे हैं, 32 कहां से मिल रहा है, 32 ये आपको यहां पर दिया हुआ है, 32 का ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर आपको ये दिया हुआ है 169, इधर आपका 41 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब की बार आपको जो नंबर मिल रहा है वो नंबर कौन सा मिल रहा है, 24, ये 24 का स्क्वायर यहां पर आना चाहिए, और इस 24 का स्क्वायर आपको पता है 576। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके सामने ये रह रहा है, इसमें इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है लव की, तो आपको इतना पता है कि लास्ट लेटर सबसे पहले आएगा, तो ई सब में पहले आ रहा है और पलट के आएगा सब में आ रहा है, राइट। अब वी वी वैसे ही रहेगा, तो जवाब आपका ये दोनों बाहर हो गए, पलटेगा नहीं, ये वाटर इमेज हो गई वी की, ओ वैसे ही बना रहेगा। अब देखिए ये एल जब पलटेगा तो आपका सी ऑप्शन आपको पता चल जा रहा है करेक्ट जवाब है, ऐसे में हमेशा जो आंसर होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं, जो बसता बस वही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 1857 से 1947 के बीच कितने अधिवर्ष यानी लीप वर्ष थे, तो आप जरा इन दोनों ईयर्स के बीच देखिए कितने आपका ईयर आपको मिल रहे हैं, तो 90 का तो डिफरेंस है, 1857 से 1947 के बीच में बताना है आपका कितने लीप ईयर थे, तो यहां से यहां ये 1857 है, ये 1947 है, 90 सालों का अंतर है, डिफरेंस कितने सालों का है, डिफरेंस है आपका 90 ईयर का, तो बीच में जो ईयर होंगे इन दोनों के बीच में वो होंगे कितने, 89, और अब इन 89 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, देन डिवाइडेड सिंपली बाय 4, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा आपको पता है, 22 4 88 होता है, 22 चक्कू 88 होता है, तो सीधा आपको जवाब पता चल गया यहां पर लीप ईयर कितने होने चाहिए, 22।
अगला सवाल और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 46। ये 60 किलोमीटर की गति से चलती हुई कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को 9 सेकंड पार करती, ट्रेन की लंबाई क्या है? जब किसी खंबे को ट्रेन कोई पार करेगी तो अपनी जो उसकी लंबाई है उसके बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी। और आप सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पर देखो कौन से यूनिट में क्या चीज दे रखी है, टाइम सेकेंड में दे रखा हुआ है 9, आंसर सारे मीटर में है तो इसका मतलब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया जाए। 60 दिया हुआ है, ये 60 गुणे आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। सवाल आपका यहां पर से सॉल्व हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 9 2 जा आपको पता है 18 होता है और यहां 2 से जब काटेंगे 60 को तो 30 आ जाएगा, 30 गुणे 5 बचता है 150 मीटर आपका सही जवाब हो गया। अगला सवाल आपके सामने वो ये रह रहा है 47। बी सामान का क्रय मूल्य एक सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है? यहां पर समझना है कि x का मान ज्यादा होगा या कम होगा 20 से। 20 सामान का क्रय मूल्य, 20 की जो सीपी है वो x की एसपी के बराबर है और लाभ हो रहा है, यानी यहां पर x की वैल्यू 20 से कम होगी। सामान जब आप पर्टिकुलर पैसों में सामान ज्यादा खरीदेंगे और उन्हीं उतने पैसों में आप सामान कम बेचेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जब कम होंगी तभी तो आपको फायदा होगा, यानी एक्स की वैल्यू आपका नीचे आनी चाहिए। यही समझ लो आपका 25 जवाब तो हो नहीं सकता। अब क्या हुआ जवाब होगा, यहां पर आपको सीधी सीधी तौर पर समझ में आ जा रहा है कि कितने आपका वस्तुओं का आपको लाभ होगा, अगर ये नंबर एक्स ज्यादा है सॉरी कम है तो आपको कितनी वस्तुओं का लाभ होगा, लाभ होगा आपको 20 - x वस्तुओं का। अब ट्रांजेक्शन आप कितने का कर रहे हो, सौदा कितनी वस्तुओं का कर रहे हो, 20 का नहीं कर रहे हैं, सौदा आप कितनी वस्तुओं का कर रहे हो, सौदा आप यहां पर कर रहे हैं कितनी वस्तुओं का, वो x वस्तुओं का ही कर रहे हैं, तो 20 - x / x राइट। अब आगे बात करते हैं अगर हम लोग इस केस में, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि इनटू आपका यहां क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालने के लिए 100 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, ये वैल्यू आपको बराबर आ रही है कितने के, 25% के। ठीक है, नाउ अब आपको इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 25 यहां पर आपका इसको काट लो 4 आ जाएगा, तो अब इसका मतलब ये हो गया आपका कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जा रहा है 20 - x = 4x, तो 20 - x इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 80, 4 * 20 हो गया 84 * x हो गया कितना -4x, और ये x अब आपका दूसरी साइड में मल्टीप्लाई होके पहुंचेगा तो ये हो जाएगा x। अब यहां पर ये 5x = कितना हो गया 80, जब 4x x के साथ जुड़ेगा तो 5x = 80 हो जाएगा, और x = कितना निकल आया 16, यानी वस्तुओं की संख्या कितनी है 16 है। सीधा सीधा समझिए, अगर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो 4 वस्तुओं का लाभ होगा, 4/ आपका वस्तु जिनका ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, जिनके बिक्री आपने करी हुई वो कितनी है 16, 4/16 गुणे कितना होता है 100, और ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कितने परसेंट बराबर हो गया, 25% बराबर, राइट, क्रॉस चेक हो गया। अगला सवाल 48 नंबर आपके सामने वो ये है कि पति पत्नी और बच्चे यानी 3 लोग, इनकी 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 27 वर्ष थी, 3 साल पहले औसत आयु 27 वर्ष थी, तो इस समय आपका इनका टोटल कितना हो गया, इस समय इनका टोटल पहुंचता है 81 सॉरी ये 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले तीनों की एज का टोटल पहुंचा 81, 27 * 3 किया हमने 81, ये बात 3 साल पहले, तीनों 3-3 साल इनकी एज बढ़ेगी, जब तीनों की एज 3-3 साल बढ़ेगी तो 3 साल बाद आपका टोटल आपका निकालने के लिए 9 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 3 * 3 और 81 + 9 कितना हो गया 90। ये तो बात सबको समझ में आ गई कि प्रेजेंट में आपका इन तीनों की एज का सम कितना होगा 90। 5 वर्ष पूर्व पत्नी एवं बच्चे की एज कितनी थी 20 वर्ष, इसमें पति शामिल नहीं है और पति की वर्तमान उम्र पूछी जा रही है, 5 साल पहले का ये डेटा दिया जा रहा है, 20 वर्ष है इन दोनों की एवरेज एज, तो इसका मतलब टोटल हुआ 20 दुनी कितना 40, 20 बच्चे की दोनों का आपका पत्नी और बच्चे का एवरेज 20 है तो टोटल हो गया 20 * 2 यानी 40, और ये बात है 5 साल पहले की, तो इसका मतलब प्रेजेंट तक आने में 5 साल एज पत्नी की भी बढ़ेगी, 5 साल बच्चे के भी, यानी 5 * 2 यानी 10 बढ़ गया,
तो ये परसेंटेज निकल आई 40, 10, 50 कितनी पत्नी और बच्चे की। इसमें शामिल कौन नहीं है, इसमें शामिल आपका पति नहीं है, और जो दोनों का डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंस पति की ही उम्र है, और दोनों का डिफरेंस आपको पता है 90 और 50, 50 का डिफरेंस कितना आ गया 40, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी यानी 40। अगले सवाल पर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मीटर में है, ये मिनट में है, तो जवाब आपको पहले एक काम करते हैं मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं एंड देन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका हो गई हमारी डिस्टेंस 600 मीटर की, इसको 5 मिनट में पार करता है, तो मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 5 × 60 कर लिया। आपको पता है 60 × 10 होता है 600, और 5 दूनी होता है 10, तो आपको यहां पर पता चल गया कितना, ये आया है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी चाल को मीटर पर सेकेंड के बजाय किलोमीटर पर घंटा में जानना चाह रहा, तो आपको ये पता है करना क्या रहेगा, 2 × 5/18, तो नहीं 2 × 18/5 से आपको गुणा कर देना होगा, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। 2 × 18/5 यानी 36/5 आया, 36/5 को जरा सॉल्व करते तो 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 10, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, और ये है ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसको 20 दिन में करता है, दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते तो काम कितना बच जाएगा। तो डे स्टूडेंट्स दोनों ने काम 4 दिन तक किया, अगर दो लोग आपका काम कर रहे, दोनों का आपका अलग अलग दिया जा रहा है कितने कितने दिन कर सकते हैं, तो दोनों का आपको काम एक दिन का निकालने का तरीका पता है। दोनों का एक दिन का काम निकालने के लिए शॉर्ट सीधा सीधा आपका क्या करते हो, x+y/(x+xy) करते हो, यानी 15 + 20/15 × 20, या सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि ए का एक दिन का काम 1/15, बी का एक दिन का काम 1/20, 1/15 + 1/20 दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, यही आएगा। और अब आपको 4 दिन लोगों ने काम किया तो इनटू क्या कर देना है, 4 कर देना है, तो आपको पता है ये 4 × 35/4 × 35 कितना आ गया 15 × 20। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें कितना यहां पर वैल्यू मिल रही है। तो आपको ये पता है भाई कि दैट इज 15, यहां पर 4 से इसको काट लो भाई 5 आ गया, आगे हम लोग आपका 5 से काटते हैं तो यहां पर 7 मिल जाएगा, और यहां पर कितना मिल जाएगा 3। तो आपको ये पता है कि ये आपको मिल गया कितना 7/15, ये 7/15 आ चुका है, यहां पर इतना काम हो चुका है। अब काम शेष कितना बचा है, टोटल काम है 1, उसमें से आपने काम कर लिया 7/15, तो 15 में 7 हो चुका काम, तो बचा कितना 8, जवाब हो गया डी। डी स्टूडेंट्स ये था आपका हमारा टेस्ट आईडी 16052 नॉन टेक्निकल के लिए स्पेसिफिकली जो है, आप अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 8765011166 पर दे सकते हो, और टेलीग्राम पर आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर का पीडीएफ यानी टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, और भी प्रीवियस टेस्ट पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स जो आपका उनसे रिलेटेड बने हुए वहां पर मिलेंगे। कैसा लगा, कोई सुझाव है तो जरूर आप हमें मैसेज कर सकते हो, पढ़ते रहिए और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे अगर आपकी मेहनत ऑनेस्टली हो रही है तो। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।